has had 44 new unicorns. And this is a testament to your nation's spirit of innovation and entrepreneurship. I now welcome His Excellency Narendra Modi for the State of the World Address at the World Economic Forum's Davos agenda. Prime Minister, the floor is yours. Thank you, Swab. Thank you. नमस्कार. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जुटे दुनिया भर के दिग्गजों का 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं. आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत कोरोना की एक और वेव से सावधानी और सतर्कता के साथ मुकाबला कर रहा है. साथ ही भारत आर्थिक क्षेत्र में भी कई आशावान रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा है. भारत में आज अपनी आजादी के 75 वर्ष होने का उत्साह भी है और भारत आज सिर्फ एक साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है. साथियों, भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक बुके ऑफ होप दिया है. इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट. इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी. इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट. जिस मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल माहौल में हम भारतीय रहते हैं वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की बहुत बड़ी ताकत है. ये ताकत संकट की घड़ी में सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं बल्कि मानवता के हित में काम करना सिखाती है. कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे भारत वन अर्थ वन हेल्थ इस विजन पर चलते हुए अनेकों देशों को जरूरी दवाइयां देकर, वैक्सीन देकर करोड़ों जीवन बचा रहा है. आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर है, फार्मेसी टू द वर्ल्ड है. आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां के हेल्थ प्रोफेशनल्स, जहां के डॉक्टर्स अपनी संवेदनशीलता और एक्सपर्टीज से सबका भरोसा जीत रहे हैं. साथियों, संवेदनशीलता संकट के समय में परखी जाती है लेकिन भारत का सामर्थ्य इस समय पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है. इसी संकट के दौरान भारत के आईटी सेक्टर ने 24 घंटे काम करके दुनिया के तमाम देशों को बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया है. आज भारत दुनिया में रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भेज रहा है. 50 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भारत में काम कर रहे हैं. आज भारत में दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है.
10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स पिछले 6 महीने में रजिस्टर हुए हैं। आज भारत के पास विश्व का बड़ा सुरक्षित और सफल डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है। सिर्फ पिछले महीने की ही बात करूं तो भारत ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसके माध्यम से 4.4 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। फ्रेंड्स, बीते सालों में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने डेवलप और एडॉप्ट किया है वो आज भारत की बहुत बड़ी ताकत बना है। कोरोना इन्फेक्शन की ट्रैकिंग के लिए आरोग्य सेतु ऐप और वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल जैसे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भारत के लिए गर्व का विषय है। भारत के कोविन पोर्टल में स्लॉट बुकिंग से लेकर सर्टिफिकेट जनरेशन की जो ऑनलाइन व्यवस्था है उसने बड़े बड़े देशों के लोगों का भी ध्यान खींचा है। साथियों, एक समय था जब भारत की पहचान लाइसेंस राज से होती थी, ज्यादातर चीजों पर सरकार का नियंत्रण था। भारत में बिजनेस के लिए जो भी चुनौतियां रही हैं वो मैं समझता हूं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर चुनौती को दूर करें। आज भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, सरकार के दखल को कम कर रहा है। भारत ने अपने कॉरपोरेट टैक्स रेट्स को सिंप्लीफाई करके कम करके उसे दुनिया में मोस्ट कॉम्पिटिटिव बनाया है। बीते साल ही हमने 25,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस कम किए हैं। भारत ने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस जैसे कदमों में सुधार करके बिजनेस कम्युनिटी का विश्वास लौटाया है। भारत ने ड्रोन्स, स्पेस, जियोस्पेशियल मैपिंग जैसे कई सेक्टर्स को भी डीरेगुलेट कर दिया है। भारत ने आईटी सेक्टर और बीपीओ से जुड़े आउटडेटेड टेलीकॉम रेगुलेशंस में बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। साथियों, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन्स में विश्व का एक भरोसेमंद पार्टनर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रास्ते बना रहे हैं। भारतीयों में इनोवेशन की, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने की जो क्षमता है, एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है, वो हमारे हर ग्लोबल पार्टनर को नई ऊर्जा दे सकती है। इसलिए भारत में इन्वेस्टमेंट का ये सबसे बेस्ट टाइम है। भारतीय युवाओं में आज एंटरप्रेन्योरशिप एक नई ऊंचाई पर है। 2014 में जहां भारत में कुछ 100 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, वहीं आज इनकी संख्या 60,000 के पार हो चुकी है। इसमें भी 80 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, जिसमें से 40 से ज्यादा तो 2021 में ही बने हैं। जिस तरह एक्सपेक्ट इंडियन ग्लोबल स्टेज पर अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं, उसी तरह भारतीय युवा आप सभी साथियों के बिजनेस को भारत में नई बुलंदी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तत्पर है। फ्रेंड्स, डीप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर भारत का कमिटमेंट एक और बड़ा कारण है
जो आज भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना रहा है। कोरोना काल में जब दुनिया क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम जैसे इंटरवेंशन पर फोकस कर रही थी, तब भारत ने रिफॉर्म का रास्ता सशक्त किया। डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को कोरोना काल में ही अभूतपूर्व गति दी गई। देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जा रहा है। विशेष रूप से कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर